हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। अभिनेता इरफान खान का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। एक दिन पहले ही उन्हें कोलन इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 54 साल की उम्र में इरफान खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 2 साल पहले इरफान खान का कैंसर की बीमारी का इलाज लंदन से हुआ था और लंबे इलाज के बाद साल 2019 में वो वापस भारत लौटे थे। लॉकडाउन के बीच इरफान खान के निधन की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। चंद दिन पहले ही इरफान खान की मां का भी निधन हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इरफान खान अपनी मां के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए थे और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मां के अंतिम संस्कार को देखा था। साल 2018 में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को उन्होंने मात दी थी। उन्होंने इसके साथ लड़ाइयां लड़ी। वे सबसे ज्यादा अपने परिवार से प्यार करते थे, लेकिन सभी को अकेला छोड़ वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। हम सभी दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तमाम बॉलीवुड सितारे ने भी इस खबर पर दुख जताया। इरफान खान जैसे दिग्गज अभिनेता को खोने का दुख सभी सितारों के मन में है। वहीं इरफान खान के निधन की खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। फैंस ने इरफान खान को याद किया और उनकी तस्वीरें शेयर करने लगे। इरफान खान की आखिरी फिल्म के नाम पर अंग्रेजी मीडियम दर्ज हो गई है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इरफान खान की आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम रही होगी,